फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इस्तखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक लेडर को किस तरह बेंड डाला जाता है 90 डिग्री एंगल पे मल्टीपल कट्स की मदद से। टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक द 90 डिग्री बेंड ऑफ अ लेडर विद मल्टीपल कट्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक द डबल कट 90। आई ऑलरेडी मेक मैनी वीडियोज़ अबाउट डबल कट 90s। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जी, आप सबसे पहले सीखें कि एक ट्रंकी ट्रे या लेडर को डबल कट की 90 किस तरह डाली जाती है। अगर आपको वो आती है तो आप कोई किसी भी किस्म का जो है ना वो 90 डिग्री पे बेंड डाल सकते हैं मल्टीपल कट्स में ज़्यादा कट की मदद से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा लेडर या ट्रंकी या ट्रे का साइज़ क्या है। तो मेरे पास ये लेडर है, इसके मैं साइज़ देखूंगा कि इसका सबसे पहले साइज़ कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ द विर्थ ऑफ आवर लेडर। सो आई एम गोना शो यू, आई वांट टू मेजर हाउ मच इज़ दिस। इट इज़ 43 inches। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ डबल कट 90s 43 inches, so I already make a videos about double cut 90s. You just put zero with the measurement of original measurement of in inches, so it will be convert in mm. अगर आप 43 inches या कोई भी लेडर का साइज़ होगा, ये मेरे पास जो है ये 43 inches का है, आपने 43 के साथ सिर्फ एक ज़ीरो लगा देनी है तो ये mm में हो जाएगा। mm जो है ना वो फार्मूला के लिए मैं यूज़ करूँगा, जो अभी मैं मार्किंग करूँगा उसमें जो फार्मूला यूज़ होगा उसके लिए यूज़ करूँगा। तो अगर मैं ये जो मार्किंग है ये डबल कट के लिए होती है, अगर आपने लेडर का ट्रंकी का या ट्रे का डबल कट 90 डालनी है तो आपकी 43 ये तीन लाइनें लगेंगी, पहले ये भी 430 mm, ये भी 430 mm, उसके बाद कुछ वक्फे के बाद तीन लाइनें ये भी 430 की होगी और ये भी 430 mm की होगी, लेकिन ये डबल कट की सूरत में होगा। डबल कट की सूरत में अभी हमने क्योंकि मल्टीपल कट्स में डालनी है, ये मेरे पास लेडर है, जो लेडर बड़ा है इसको मैंने ज़्यादा कट डालने हैं। ये लेडर मेरे पास बड़ा है, इसको मैंने ज़्यादा कट डालने हैं। ज़्यादा कट मीन के मैं इसको वेल्डिंग नहीं करना चाहता, मैं इसकी जो सपोर्ट है वो मैं सेव रखना चाहता हूँ ताकि इसको मुझे कटाई ना डालनी पड़े। तो अभी मैंने क्या करूँगा फिर, इसका फार्मूला ज़्यादा कट की मदद से किस तरह बनाया जाता है। तो आपने क्या करना है, ये 430 और ये 430 इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। 430 प्लस 430 ये एक सिर्फ सिंगल कट का ये याद रखना है आपने। ये बन जाएगा जी 860। ओके, ये 860 अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने कट्स डालने हैं। अभी मैं जो कट्स डाल रहा हूँ वो मैं 8 कट डालूँगा, तो इसको आपने डिवाइड कर देना है 8 पे। ये आ जाएगा जी तकरीबन 107। तो 107 की मेरी 8 मार्किंगें होंगी इस लेडर के लिए। ओके जी, इस तरह आप किसी भी लेडर का जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 कट्स की सूरत में करना चाहते हैं तो आप इसको जो मार्किंग है आपकी ओरिजिनल इसको आप 5 पे डिवाइड कर दें। आप 4 करना चाहते हैं कट्स, 4 पे डिवाइड कर दें। मैं चूँकि 8 करना चाहता हूं तो मैं इसको 8 पे डिवाइड करूंगा कि इसकी कितनी आएगी मार्किंग। तो ये आ गई, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग करके। ओके गाइस, लेट्स गो। आई वांट टू शो यू हाउ टू मेक द मार्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक श्योर योर सपोर्ट ऑफ लेडर इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन योर मार्किंग, नॉट इंटरफेयरिंग इन योर मार्किंग। यू नीड टू मेक श्योर द मिडल ऑफ दीज टू स्पॉट्स यू वांट टू स्टार्ट द मार्किंग। ओके जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मार्किंग। इसकी मार्किंग किस तरह की है, तो ये मैं जो है ना अभी 107 मेरी मार्किंग निकली है। तो सबसे पहले मैं जो ये है इसका सेंटर ले लेता हूँ। सो नो आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक द मार्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द सेंटर दीज टू स्पॉट्स।
टेक द सेंटर, यू मस्ट टेक द सेंटर, ओके। आई गोना ड्रॉ द लाइन, फर्स्ट लाइन इन सेंटर, ओके, दिस इज माई सेंटर लाइन। अदर आई विल ड्रॉ 107 mm, 107 mm इज हेयर, 107 mm, ओके, एंड वंस मोर हेयर 107 mm, ओके जी। अभी मैंने ये लगा दी 107 की, ये मेरी 107 की है, 107 mm की, और ये है 107 mm की। ये मेरी एक सिंगल कट के लिए है, ये एक सिंगल कट के लिए है। उसके आगे आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने 8 पूरी करनी है आगे, फिर आपने ये दो जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्टें हैं लेडर की, इनके सेंटर में आप सेंटर निकाल लें पहले, ये सेंटर वाली लगाएं पहले लाइन, ओके, ये मैंने अभी लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, 107 इधर रखें और 107 आप रख लें इधर, ओके जी, ये 107 आ गई इस तरह, और 107 आप इधर रख लें इस तरह, ओके। अभी इस तरह मैं, ये दो हो गई, एक मार्किंग मेरी ये है और एक मार्किंग मेरी ये है। इस तरह मैं 8 स्टेप्स के अंदर, ये जो मेरे स्टेप्स हैं, ये जो गैप हैं, इनके अंदर मैं 8 दफ़ा ये मार्किंग करूँगा। तो मेरी मार्किंग हुई कंप्लीट, ये देखें, ये 1, 2, 3, 4 हर गैप के अंदर मैंने एक मार्किंग कर दी है, 8 मार्किंगें। सो यू कैन लुक, आई ऑलरेडी ड्रा 8 टाइम मार्किंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द 8 कट्स ऑफ 90 ऑफ। सो यू कैन वॉच दिस 8 टाइम, आई ऑलरेडी ड्रॉ। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द अदर एज ऑफ आवर लेडर, हाउ टू मेक द मार्किंग। यू जस्ट पुट अ सिंगल लाइन, अ सेंटर लाइन, बिकॉज वी हैव अ 3 लाइन इन सिंगल कट, so we will measure the only center line of our cut। आपने क्या करना है, दूसरी साइड पर जो मार्किंग करनी है उसका आपने सिर्फ ये एक सेंटर वाली जो मार्किंग है, एक कट की हमारी 3 लाइनें हैं, तो ये जो सेंटर वाली है सिर्फ ये एक आपने ड्रा करनी है दूसरे किनारे पे। मैंने चूँकि इसको इस साइड पे लेके आना है, तो दूसरे किनारे पे सिर्फ आपको ये एक सिंगल लाइन की ज़रूरत है, वो आपने सिर्फ लगानी है। तो वो आप सेंटर निकालें इसका, सेंटर में उसकी आप मार्किंग कर लें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह करते हैं, ओके, बंद। इधर आपने क्या करना है, मेरा चूँकि जो उधर सेंटर वाली मार्किंग थी वो ये दो स्पोर्टों के दरमियान थी, तो मैंने इनका सेंटर निकाल लेना है, इनका सेंटर कितना है। ये है जी 250, और इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा 125 mm। सो 125 mm पे मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ, 125 mm पे ये इसका मैंने सेंटर निकाल के रखा है, ओके। तो इस तरह आपने लगा लेनी है एक, खाली एक सेंटर वाली मार्किंग, ज़्यादा मार्किंग आपने नहीं करनी। यू जस्ट ड्रा अ सेंटर्स लाइन, ओके, एक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी आपने सेंटर निकाल लेना है, हर मार्किंग का आपने सेंटर वाली जो मार्किंग थी उसका आपने मेजर करके वो निकाल लेना है, ओके। ये आ जाएगा जी मेरा इधर, ओके, ये एक हो गई। और इस तरह आपने 8 की 8 मार्किंगों का सेंटर निकाल लेना है, ओके, बंद कर ले। तो ये मैंने मार्किंग कर दी सेंटर की,
ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल कट मैंने लगाया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कटाई किस तरह की जाती है, किस तरह इसको काटा जाता है, वो मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी मैं इसकी कटाई डालूंगा। इसकी कटाई आपने किस तरह करनी है, ये दो तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों में दो गैप हैं, और आपने क्या करना है, ये एक लाइन जो एंड वाली है ये आपने काटनी है, ये पूरी पूरी आपने काट देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको काटना है, ये कटाई कर देनी है, और ये जो है इसका आपने जस्ट ये एक किनारा काटना है, और इधर से भी आपने ये वाला किनारा काट देना है यहाँ तक। ये इसको कान बनाने के लिए या कह लें कि स्क्रू लगाने के लिए, अगर आपने स्क्रू नहीं लगाने, वेल्डिंग करनी है, तो ये पूरे दोनों पीस आपको निकालने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको कटाई करके दिखाता हूँ कि इसकी कटाई किस तरह की जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने एक कट की कटाई डाल दी है। तो इस तरह आपने आठों की आठ जो मेरी कटाइयाँ हैं, मार्किंग हैं, इस तरह आपने डाल देनी है कटाई। सेम इस तरह ये आपका स्क्रू लगाने के लिए काम आएगा ये वाला हिस्सा, और ये जो है ना वो मेरे बैंड के लिए काम आएगा। तो मैं ये कटाई डाल के डालता हूँ वापस। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरी कटाई हुई मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं, ये एक एक गैप मैंने काट दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, ये देखें, ये हल्का सा इधर मैंने ये कट लगाया है, हल्का हल्का सा ग्राइंडर चलाया है इसके ऊपर, ताकि हम इसको बेंड कर सकें, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, इसको इसके ऊपर बेंड करने के लिए, ताकि हमारा स्क्रू लग जाए। ये एरिया जो है ना वो स्क्रू लगाने के लिए है। अगर आपने स्क्रू नहीं लगाने, वेल्डिंग करना है, तो आपको ये हिस्सा भी काटना पड़ेगा, तो ये और ये हिस्सा जो है ना वो वेल्ड हो जाएगा। और उसके बाद आता है दूसरी साइड, दूसरी साइड पे जो है ना हम किस तरह कटाई डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है,
इधर आपने क्या, इधर सिंगल कट लगाना है, इधर आपने वी शेप का इस तरह काट देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हल्का सा आपने इधर में वी शेप ऐसे काट देना है, और ये है यहाँ आपने कट लगा देना है एक। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ये कट लगाना है, और ये सब के सब जो है ना आठ लाइनें जो मैंने लगाई हुई हैं सब की मैंने एक एक कट लगाना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके जी, इस तरह ये वी शेप का कट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल कट आ गया। तो इस तरह आपने आठों की आठों मार्किंग पे कटाई कर देनी है। फ्रेंड्स, ये मेरी कटाई हुई मुकम्मल, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है ना वो इसका बैंड डाल के दिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरह मॉडिफाई करना है और स्क्रू लगाना है। आपने क्या करना है, बड़े ईजीली तरीके से इसको आपने उठाना है, इसके ऊपर चढ़ा देना है ऐसे। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा पीछे को बेंड करें हैमर की मदद से या हैंड की मदद से। ये थोड़ा सख्त होता है, इसको आप हैमर भी लगा सकते हैं। ओके, इस तरह आप इसको इसके ऊपर चढ़ा दें। ये देखें, ओके जी। और सेम आप इसको थोड़ा सा बाहर निकालें और इसको आप इसके इस तरह ऊपर चढ़ा दें। ओके जी, सेम इसको भी आप लें, इसको आप पहले अंदर को बाहर को बेंड कर दें। ये आप इसको अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर जो गैप थोड़ा है हमारे पास स्क्रू लगाने के लिए, तो हम इसको बाहर भी लगा सकते हैं इस तरह। ओके जी, इस तरह आपने क्या करना है, सब नौ के नौ बैंड हैं, आठ बैंड जो हैं अब आपके, वो आपने इस तरह लगा देने हैं वन बाय वन। ओके, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह लगते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 90 कंप्लीट कर दी है, जस्ट स्क्रू लगाना बाकी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली उसकी आउटसाइड जो है वो स्मूथली चल रही है, और नीचे से भी ये आप देखें ये जॉइंट है, जॉइंट वाली जगह, और इधर आपने स्क्रू लगा देने हैं। ये अभी मैं आपको स्क्रू लगा के दिखाता हूँ, अभी मैंने स्क्रू नहीं लगाया, जस्ट बेंड पूरा किया है। ये आप देख सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको स्क्रू लगा के। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने स्क्रू लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी है, मैंने चेक की हुई है, और स्क्रू भी मैंने इसके लगा दिए हुए हैं, ये देखें। तो इस तरह आप किसी भी ट्रंकी ट्रे या लेडर का कोई भी साइज़ हो उसका आप बैंड 90 डिग्री पे डाल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।